लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हसनैन करीमैन, अच्छे बाप के अच्छे बेटे, अच्छी माँ, सैयदए कायनात, मादरे हसनैन, मखदूमए कायनात, मलके फिरदौस बरी, मालिके कौनैन की शहजादी, मलके कौनैन, महफूज अनिल खता, सैयदा तैयबा ताहिरा, आबिदा जाहिदा, आलिमा आलिमा गैरे मुअल्लिमा, नकिया तकिया, ज़किया रकिया, आबिदा साजिदा राकेआ, साइमा अफीफा, सैयदतुन्निसा आलमीन, सैयदए निसा निसाइल आलमीन, सैयदए कायनात। अल्लाह अकबर। क्या अलकाबात अज़कर उम्मे अबीहा सैयदा फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्फ़ अल्फ़ मर्रा फ़ी कुल लम्हा। उनके शहज़ादे हैं हसनैन करीमैन, और हुज़ूर ने फ़रमाया फ़ातिमा के बेटे मेरे बेटे हैं। एक दिन ये दोनों भाई मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर हाजिर हैं। एक बूढ़े साहिब, एक बड़े मियाँ, बड़े बुज़ुर्ग आदमी, यानी उम्र के अतबार से बड़ी उम्र थी, तो वो मस्जिद में आए और नए नए मुसलमान हुए थे। उन्होंने वज़ू किया और वज़ू में उनसे गलती हुई, इसलिए कि वो नौ मुस्लिम थे, नए मुसलमान थे। अभी उनको दीन के बारे में, मज़हब के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी, बहुत ज़्यादा उनको इल्म नहीं था, नए मुसलमान थे। और हसनैन करीमैन सैयदा के लालों के और हुज़ूर के नवासों के सामने उन्होंने वज़ू में कोई कमी कर दी, कोई गलती कर दी। तरीक़ा कार क्या था? आजकल का कोई आम आदमी होता तो बोलता, बड़े मियाँ आप इतने बुढ़े हो गए, आपको वज़ू करने का तरीक़ा भी नहीं आता, इस तरह लोग करते हैं। मगर क़ुरबान जाएं, जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। जो आला ज़र्फ़ लोग होते हैं उनकी बातें भी बहुत आला होती है। ख़ानदान आला था, नसब आला था, घर आला था, बे इजाज़त उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। क़द्र वाले जानते हैं क़द्र शान अहले बैत, सब ही आला है, माँ सैयदए कायनात है, जन्नती औरतों की सरदार है, बाबा ख़ातिमुल विलायत है, सैयदुल अरब हुज़ूर ने उनको लक़ब अता फ़रमाया, सैयदुस सादात, मुश्किल कुशा, खैबर शिकन, सैयदना मौलाए का बाबा, नाना सैयदुल अंबिया, पूरा घराना ही सादात, सैयदुल अंबिया के नवासे, सैयदए कायनात के बेटे, सैयदुस सादात मौला अली के बेटे, उनकी नानी माँ खदीजतुल कुबरा, शान वाले लोग, अजीम लोग हैं। मेरे आका ने फरमाया सब के नसब मुनक़ते हो जाएंगे सिवाय मेरे नसब के। जिनका नसब काम आए, जिनका हसब काम आए, जिनकी औलाद में इब्तिदा से लेकर इंतहा तक विलायत का सिलसिला जारी हो, इमाम मेहंदी जिनकी औलाद में हो, गौसुल आज़म गरीब नवाज जैसे, वारिस पाक और शाह बरकतुल्ला जैसे, शेख रिफाई और सैयदी जिंदा शाह मदार जैसे, बड़े बड़े अकाबिर औलिया, महबूब इलाही और मखदूम अशरफ जैसे बड़े बड़े अकाबिर औलिया, जिनकी औलाद हो, जिनके ख़ानदान में हो, वो हसनैन करीमैन, उनका बचपना है, नन्ही सी उम्र है, एक नौ मुस्लिम, नए मुसलमान बूढ़े साहिब को उन्होंने वज़ू करते हुए देखा, वज़ू में गलती देखी, तो दोनों शहज़ादों में से एक शहज़ादे ने कहा, चचा जान हम छोटे हैं और ऐसा लगता है कि कहीं हमारे वज़ू में कोई कमी या कोई नक्स तो नहीं है, आप बड़े हैं उम्र में, आप ज़रा देखें
हम दोनों वुज़ू करते हैं, हमारे वुज़ू में कमी कहाँ है, उनके वुज़ू में क्या कमी हो सकती थी। जिन्होंने आँखें खोली तो चेहरे मुस्तफ़ा देखा, जिनके कान में अल्लाह के रसूल ने अजान पढ़ी, जिन्होंने शीर फातिमा और खून अली से परवरिश पाई, जिनका झूला झुलाने के लिए मासूम फरिश्ते आएं, जिनकी अम्मी की चक्की चलाने के लिए मासूम फरिश्ते आएं, जिनके घर में फरिश्तों का आना जाना हो, बल्कि जिनके घर में सैयदुल अंबिया का एक एक दिन में कई कई मरतबा आना जाना हो, और फिर हुजूर जी ने अपनी गोद में सुलाएं, बहलाएं, प्यार करें, अपनी ज़बान चुसाएं, उन शहज़ादों के वज़ू में क्या गलती हो सकती थी। लोग जिसके घर से दीन सीखें, उन घर वालों से क्या गलती हो सकती थी। उन्होंने उस बूढ़े साहिब के सामने बहुत इत्मीनान से वज़ू किया, और जब वज़ू करके फारिग हुए तो शहज़ादों ने कहा, चचा जान बताएं, हमारे वज़ू में कोई नक्स या कमी तो नहीं है। उस बूढ़े की आंखों में आंसू थे और वो उनकी पेशानी को चूम कर कह रहे थे, शहज़ादों, मैं आपके वज़ू में क्या कमी हो सकती है। मेरे वज़ू में कमी थी, लेकिन मैं समझ गया मेरी इस्लाह के लिए शहज़ादों ने कितने खूबसूरत तरीक़ेकार को इख्तियार फरमाया। अंदाज़ा करें कि जो इतने बड़े लोग थे, जब उन्होंने किसी की इस्लाह के लिए इतना अच्छा और ख़ूबसूरत तरीक़ा इख्तियार किया कि दिल भी ना टूटे, दिल के आप गीने पर कोई तकलीफ़ भी ना हो, दिल का शीशा चकना चूर भी ना हो, और बात के बाद भी कह दी जाए, काश अल्लाह हमें ऐसा तरीक़ा इख्तियार करने की तौफीक दे। डांट कर हम किसी की इस्लाह नहीं कर सकते, दुश्मन बना सकते हैं, ज़िद्दी बना सकते हैं, इस्लाह नहीं कर सकते। इस्लाह का तरीक़ा तो ये है कि हम किसी को प्यार से बोलें, मोहब्बत से बोलें, शफकत से बोलें। अल्लाह अकबर, एक शख्स ने जो है वो कोई नाज़ेबा बात कही, मेरे आका अलैहि सलाम को पता चला, वो शख्स दाईं तरफ बैठा हुआ था, हुजूर अलैहि सलाम ने दूसरी तरफ चेहरा फेर कर फरमाया, उस कौम का क्या होगा जिस कौम में ऐसे नाज़ेबा कलेमात कहने वाले लोग भी मौजूद हैं। यानी जिसकी इस्लाह की उसकी तरफ देखा भी नहीं, बल्कि दूसरे को देखा ताकि वो शर्मिंदा ना हो जाए। हुजूर अलैहि सलाम ने इस अंदाज़ से लोगों की इस्लाह फरमाई। आइए हम भी अच्छी बात का हुक्म दें, बुरी बातों से मना करें, जिसमें कोई गलती देखें खूबसूरत अंदाज में उसको रोकने की कोशिश करें, और अगर वो कोई नेकी के अंदर कोताही कर रहा है तो उसको अच्छे अंदाज में नेकी की तरफ बुलाएं। और माशाल्लाह उसके लिए हमारे पास एक अच्छा प्लेटफार्म सुन्नी दावत इस्लामी की शक्ल में मौजूद है। हमें चाहिए कि हम नेकी का हुक्म दें, इसलिए कि जो कुछ दुनिया के लिए किया है वो सब यहीं धरा के धरा रह जाएगा, और अगर हम अल्लाह के लिए कुछ करते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला अल्लाह ने चाहा तो हमें आखिरत में इसका सिला मिलेगा। और कितनी बड़ी बात है कि नेकी के हुक्म देने वाले को इमाम हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफतुल्ला कहा, खलीफ़ रसूल कहा, अल्लाह की किताब का खलीफ़ा कहा। अल्लाह ताला हम सबको नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने की तौफीक अता फरमाएँ। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब मुस्तफ़ा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ो तुफ़ैल माफ़ फरमाएँ। अल्लाह ताला हमें कहने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा अमल का जज्बा अता करें। अल्लाह हमसे वो काम ले जिससे अल्लाह उसके रसूल अज़्ज़ वजल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएं। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नाम रज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ता भी इज्तिमा 10 से 11 बजे तक सूफ़ी चैनल पर मालेगाँव का होगा। और एक खुशखबरी साथ साथ में कि इतवार के दिन इंशाल्लाह हुजूर ताजुश्शरिया बदरुत्तरीक़ा अल्लामा अख्तर रज़ा ख़ान साहब क़िबला अज़हरी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह का दूसरा सालाना उर्स है। इस उर्स मुबारक के मौके पर इतवार के दिन ठीक 10 बजे से 11 बजे तक इसी चैनल पर शहर मालेगाँव में ऑनलाइन इंशाल्लाह महफिल नात होगी, और उस दरमियान में इंशाल्लाह क़िबला हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी दाई कबीर हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज हाफिज़ वकारी मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब क़िबला हमारे अमीर मोहतरम का मुख्तसर सा खिताब
हुजूर ताजुश्शरिया की खिदमत पर इसी चैनल पर इंशाल्लाह ताला होगा, जिसमें मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सब उसमें शिरकत फरमाएं, तशरीफ़ लाएं और अपने घर बैठे ये प्रोग्राम आप समाप्त करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल-फातिहा। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا جد الحسن والحسين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين। कमेंट शेयर जरूर करिए।